तो y माइनस वाई हेड आ गया एंड होल स्क्वायर हमने बोथ साइड का ले लिया अब हमारे पास क्योंकि हमारे पास अल्फा एंड बीटा टू पैरामीटर्स होते हैं तो हमने इनके डेरिवेटिव्स लेने हैं इसका विद रिस्पेक्ट टू का लेना है डेरिवेटिव डेरिवेटिव नेक्स्ट काम विद रिस्पेक्ट टू लेना जब आप ले, लोगे तो आपके पास क्या आएगा कि टू पहले एंड पावर uh, मतलब पहले, पावर पहले पावर में से एक कम एंड ए के हिसाब से डेरिवेटिव लेते रहे तो माइनस वन आ गया टू को हम दूसरी साइड पर ले या कैंसिल आउट हो जाएगा जीरो है तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास ठीक है अब स्टूडेंट नाम आप इसको ओपन कर रहे हो स्मिशन ऑफ एक्स माइनस दिस वन एंड यहाँ आपके पास ऑफ uh, वाई जो आ रहा है वो आपके पास क्या आ जाएगा लाइक दिस ठीक है कि आपने ये वैल्यूज को अप्लाई कर दिया माइनस टू को आप दूसरी साइड पे लिखो

ली बी मालूम करना टू इक्वेशन आई हैं तो हम इनको इक्वेट uh, करेंगे आप देखो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन को समेशन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारे पास ये वाली वैल्यूज है वो इक्वल आ जाए आप सब्टेक्ट करोगे तो आपके पास दोनों साइड पे ये वैल्यूज आ जाएंगे बी इधर कॉमन है आप कॉमन ले लोगे ठीक है आपने क्योंकि आपको रिग्रेशन कॉफिशियन चाहिए बीटा चाहिए अब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास रिग्रेशन कॉफिशियंट आ जाएगा अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग माइनस वन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज हमें चाहिए थी बीटा की वो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा तो ये आपके पास प्रूव हो जाता है हम कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन द इक्वेशन अगर हम करते हैं अगर आप इक्वेशन पुट करते हो बी की वैल्यूज अपनी रिग्रेशन इक्वेशन में तो आपके पास क्या आता है अब आप देखो आपने ये फाइंड किया लाइक like दिस अब यहां आपने क्या लेना है एलसीएम लेना है जो आपने एलसीएम लोगे और इस पे वर्क करोगे तो आपके पास ये तमाम चीजें करने के बाद ये देखिए आप ये हमारे पास वैल्यूज क्योंकि हम ए की वैल्यू भी मालूम करें तो आपके पास ये एक की वैल्यू भी आ जाएगी जो कि हमें चाहिए तो बाय मीन ऑफ डिटर्मिनेंट्स हमारे पास फिर अगर आप करना चाह रहे हो तो डिटर्मिनेट्स uh, के थ्रू uh, भी आप इसको कर सकते हो सॉल्व एल्फा एंड बीटा की वैल्यूज तो हमारे पास आएंगे लेकिन आप यहाँ तक अगर आप प्रूफ से तरीके से कर लेते हो कि अल्फा की भी वैल्यूज जा आ जा जाती हैं एंड हमारे पास बीटा कॉफिशेंट ऑफ रिग्रेशन बीटा की भी आ जाती है तो ये आपके पास रिग्रेशन कॉफिश सॉल्व हो जाता है आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो अलाज